Hello everyone, welcome to the class of mathematics by Manindra Singh Sidhu. Last class में हमने matrices की introduction पढ़ी थी कि matrices होते क्या हैं, right? फिर हमने matrices के अंदर उसके order के बारे में पढ़ा था, उसकी location के बारे में पढ़ा था कि हर element की location कहाँ-कहाँ होती है. फिर हमने कुछ examples किए थे जिसमें हमने matrices form किए थे. We did construct some matrices. Right? अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. Now today we will study the conditions of matrices. Like first of all, equality of matrices. यानी कि दो या दो से ज्यादा matrices equal कब होंगे? Right? ये देखिए, ये वैसे तो बहुत ही general सा topic है, कोई भी common sense से बता सकता है, but we should know the exact condition for equality of the matrices. देखिए, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि दो matrices हैं, एक matrix में चार element है A, B, C, D, और दूसरे matrix में भी चार element है, वो भी A, B, C, D है, तो क्या आप कहेंगे कि दोनों matrices equal हैं? शायद आपको लगे कि दोनों मैट्रिसेस इक्वल ही होंगे क्योंकि चार ही एलिमेंट इसमें है, चार ही एलिमेंट उसमें, बट नहीं, जरूरी नहीं है कि वो दोनों मैट्रिसेस इक्वल होंगे. बिकॉज़ हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि दो मैट्रिसेस इक्वल, सॉरी, जब भी एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें गिवन होते हैं किसी भी मैट्रिसेस के अंदर, तो इन दैट केस उसका ऑर्डर जो है वो एक फिक्स नहीं होता, वो चेंज भी हो सकता है. लाइक अगर four elements है किसी matrix के अंदर, that means उसके तीन possible order हो सकते हैं, either 1/4 और 4/1 और 2/2. तो that means दो matrices जिसमें A, B, C, D चार elements हैं, they need not to be equal. Why? क्योंकि उनका order same नहीं है. बिल्कुल order same नहीं है. But अगर order same हो भी जाए, तब भी जरूरी नहीं है कि matrices equal हो जाए. Like देखिए, A, B, C, D और ये है A, B, C, D. ये तो मैं clearly दिखी रहा है कि ये दोनों matrices equal नहीं है. Why? Because इसका order है 2/2, whereas इसका order क्या है? 1 row and 4 columns. That means 1/4. देखिए, तो इससे एक चीज तो clear हो गई है कि दो matrices कभी भी equal नहीं होंगे अगर उनका order same नहीं होगा, right? अच्छा, दूसरी चीज, एक बार हम ऑर्डर सेम रख ही लेते हैं, ये है ए बी सी डी मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का, और इस बार मैं यहां पे भी 2/2 ऑर्डर ही ले रहा हूं, और मैं आपको कहता हूं कि इसमें भी चार एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी. तो अब आप बताइए, क्या ये दोनों एलिमेंट, दोनों मैट्रिसेस इक्वल होंगे? शायद आपको लग रहा होगा इक्वल होंगे, बट अभी भी जरूरी नहीं है. बिकॉज अगर मैं ऐसे लिख देता हूं, इसमें भी एलिमेंट्स ए बी सी डी ही है, मगर आप देख सकते हैं द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑन बोथ द मैट्रिसेस आर नॉट सेम. दैट मींस अगर सिर्फ ऑर्डर सेम हो गया और एलिमेंट भी इक्वल है, तब भी जरूरी नहीं है कि दो मैट्रिसेस इक्वल हो जाए. तो दैट मींस व्हाट शुड बी द कंडीशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस. मेरे ख्याल से आप खुद ये डिराइव करके बता सकते हैं. ठीक है, मैं आपकी हेल्प करता हूं यहां पे. दो मैट्रिसेस अगर आपको इक्वल करने हैं, दैट मींस उसका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स? सी, एलिमेंट्स हैं एक्स वाई जेड डब्ल्यू, और ये भी अगर एक 2/2 ऑर्डर का ही है, तो अगर इन दोनों को, दिस वाज नॉट इक्वल, इन दोनों को अगर हमें इक्वल रखना है, तो जहां पे ए 1/1 पोजीशन है वहां पे एलिमेंट एक्स था, तो यहां पे भी एक्स ही होना चाहिए. यहां वाई है तो यहां पे भी वाई होना चाहिए, यहां जेड है तो यहां पे भी जेड होना चाहिए, और यहां डब्ल्यू है तो यहां पे भी डब्ल्यू होना चाहिए. यानी टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ देयर ऑर्डर्स आर सेम एज वेल एज देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम. Now the next topic is addition or subtraction of two matrices. देखिए बेटा, दो मैट्रिसेस को जैसे हम इक्वल करने के लिए उनका ऑर्डर सेम होना जरूरी था, सेम उसी तरह से अगर आपको दो मैट्रिसेस ऐड या सब्ट्रैक्ट करने हैं,
सेम होना चाहिए, यानी कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और अगर आप उसमें से सबट्रैक्ट करना चाहते हैं सिर्फ 3 5 को, then this subtraction is not possible. Why? Because इसका ऑर्डर 2 by 2 है, इसका ऑर्डर 2 by 1 है. तो दोनों का ऑर्डर जब तक सेम नहीं होगा, we cannot subtract or add two matrices. That means the condition, you may write also, condition of addition or subtraction of two matrices is, the order of the two matrices must be same. Now, let me take two matrices of same order, 4, 3, minus 2, 0, and I want to add this to 1, 2, 3, 4. Now, how to add two matrices? That is not a rocket science. ये बिल्कुल common sense वाला ही है. आपको corresponding elements को ही add करना है. That means, अगर दो matrices हैं, दोनों का order 2 by 2 है, तो इनका जो resultant matrix होगा, उसका भी order 2 by 2 ही होगा. Element कौन से आएंगे? 4 plus 1, that will be 5. 3 plus 2, again 5. Minus 2 plus 3, 1. Then 0 plus 4, 4. Right? Now, we have two matrices. We want to subtract them. Again, the order of both the matrices are same. That means we can subtract these two matrices. Corresponding elements ko hi minus karenge. 1 minus 3 will be minus 2. 2 minus 1 will be 1. 3 minus 4 will be minus 1. Then 4 minus 2 will be 2. I hope the topic is clear to you all. Kabhi bhi main dobara se summarize karta hu. Equality of two matrices. दो matrices अगर आप equal बोल रहे हैं, that means आप ये मान के चल रहे हैं कि दोनों matrices का order same है और उनके corresponding elements भी same हैं. Likewise अगर मुझे दो matrices को add या subtract करना है, तो उसकी condition ये है कि दोनों matrices का order same होना चाहिए, so that हम corresponding elements को add या subtract कर पाए. Now I'm going to take one example. ना देखिए, आपको यहाँ पे दे रखा है दो मैट्रिसेस ऐड होके ये रिजल्ट आया है, तो इससे आपको बताना है एक्स वाई जी की वैल्यू क्या होगी. देखिए यहाँ पे मैं दो दो कॉन्सेप्ट्स का यूज करने वाला हूं. द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज हमें यहाँ पे दो मैट्रिसेस को ऐड करना पड़ेगा, और ऐड होने के लिए कंडीशन आपको पता ही है कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और इन दोनों का ऑर्डर सेम है. दैट मींस इन दोनों को ऐड किया जा सकता है, और उसके बाद इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सेम होना जरूरी है. नाउ लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू ऐड दीज टू मैट्रिसेस. द रिजल्टेंट विल बी 2 प्लस 5, दैट विल बी 7. देन x प्लस 2, दैट विल बी x प्लस 2. देन 3 प्लस 5 विल बिकम 3 प्लस 5. देन 5 प्लस z. Now this is equal to 7, 5, 2, 9. Now I will compare both the sides, since we've been given that these two matrices are equal. That means equal होते हैं तो क्या equal होता है? Order भी equal होता है और corresponding elements भी equal होते हैं. तो अब मैं अगर इनको compare करता हूँ, on comparing we can clearly see कि एक element तो पहले से ही equal दिख ही रहा है. तो उसका हमें कुछ नहीं करना है. ये एलिमेंट को कंपेयर करेंगे, दैट विल बिकम x प्लस 2 इज इक्वल टू 5. दैट विल
result in x is equal to 3. Now I will compare these two elements, that will become 3 plus y is equal to 2, and the result will be 2 minus 3 minus 1. And lastly, 5 plus z is equal to 9, the result will be 9 minus 4, 9 minus 5 is equal to 4. So इस तरह से हम compare करके दोनों matrices को compare करके हमने x, y और z की value find करी। अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा। If suppose यहाँ पे भी z की जगह पे x given होता, right? तो हमें सिर्फ x और y की values find करनी होती। तो यहाँ पे क्या बन जाता? 5 plus x is equal to 9. Same way में हम अगर compare करते हैं, तो x की value तो 3 ही आएगी, इससे compare करेंगे तो, right? और y की value इन दोनों को compare करके minus 1 ही आएगी, but यहाँ पे जब हम comparison करेंगे, तो x की value 4 आ रही है। Now as you can see that इस question में x जो था वो दो जगह पे present था। देखिए matrices अगर equal हैं तो x चाहे जितनी मर्जी जगह पे प्रेजेंट हो उन सब में x की वैल्यू सेम ही होनी चाहिए, बट वी कैन सी दैट x की वैल्यू इन दोनों केसेस में कॉन्ट्राडिक्टिंग आ रही है, सेम नहीं आ रही है। दैट मींस अगर मैं x की जगह पे 3 पुट करूंगा तो आप देख सकते हैं ये वाला एलिमेंट इक्वल नहीं हो पाएगा, बट अगर मैं x की जगह 4 पुट करूंगा तब वो वाला एलिमेंट इक्वल नहीं हो पाएगा। That means आप x की वैल्यू यहाँ पे find नहीं कर सकते हैं। That means ये possible ही नहीं है। यानी कि ये दोनों matrices equal नहीं हो पाएंगे। In this case अगर आप किसी भी matrix की दो या दो से ज़्यादा जगह से values calculate करते हैं, तो उन सब की values same आनी ज़रूरी है। अगर same नहीं आएगी, तो इसका मतलब होगा कि values are not possible to find। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x and y are not possible to find. That means x and y की कोई भी value, कोई भी real value इन matrices को equal नहीं कर सकती। I hope the topic is clear. देखिए अभी हमने class में क्या-क्या पढ़ लिया है? हमने equality of matrices पढ़ लिया है, हमने उसके बाद addition पढ़ लिया, हमने subtraction पढ़ लिया, और ये जो हमने अभी एक एग्जांपल किया है इससे हमारा कांसेप्ट भी क्लियर हो गया कि एडिशन सबट्रैक्शन वाले इक्वेशंस किस तरह से करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस बताऊंगा और वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि जैसे आपने देखा एडिशन और सबट्रैक्शन हमने बड़ी ही आसानी से कर लिया, बट प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस इतना सिंपल नहीं है कि आप अपने आप ही कर पाएंगे। ये एडिशन और सबट्रैक्शन तो कॉमन सेंस जैसा ही था, मगर मल्टीप्लिकेशन जो है उसमें आपको क्लास बहुत ध्यान से कंसंट्रेट करके सीखना पड़ेगा। सो स्टे ट्यून, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको करवाऊंगा मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। थैंक यू वेरी मच।